फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दीक्षा डिज़ाइंस में। आज की इस वीडियो में मैं अपनी वीडियो का थर्ड पार्ट आपको बताने वाली हूँ, जिसमें मैंने सारी कलियों को तैयार करके उन्हें जोड़ा है। किस तरह से जोड़ा है इस वीडियो में आज आपको ये देखने को मिलेगा। फ्रेंड, वीडियो बहुत ही छोटी, इसे एंड तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको इसकी कलियों को जोड़ना और किस तरह से मैंने इसे रेडी किया ये बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपको अस्तर के, कैनवास के और वेलवेट के 12-12 पैनल्स कट करने हैं, कलियों को कट करना है। मैंने 12-12 अलग अलग कलियों को कट किया था और मैंने जो मेरा वेलवेट था, जो वेलवेट का जो कपड़ा था, उसके अंदर मैंने कैनवास को चिपका लिया है। आपको पता ही होगा अगर आप सिलाई करते हो तो किस तरह से कैनवास को प्रेस की मदद से, ये कड़क वाला कैनवास से जो शर्ट और पैंट में यूज़ होता है बनाने के लिए, उस वो वाला कैनवास है। फ्रेंड्स, वही वाला कैनवास लिए मैंने अपने 12 पैनल्स को रेडी कर लिया है। इस तरह से वेलवेट के अंदर ही आपको लगाना है, या फिर आप कोई और कपड़ा यूज़ करते हो तो आपको उसमें लगा लेना है। फ्रेंड्स, अगर ये वेलवेट के अंदर मैंने पहले वो लगा लिया है कैनवास, और उसके अंदर अस्तर जोड़ने से पहले मैं उसके अंदर अपनी ये लेसेस लगा लूँगी। जो भी लेस, जैसे मैंने इस तरह की लेस ली, आप चाहो तो सिंपल कर सकते हो या फिर और भी ज़्यादा अच्छी वाली लेस ला सकते हो, ज़्यादा हैवी बना सकते हो, या फिर सिंपल भी रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। इस तरह से आप सिंपल लेस लगा सकते हो या फिर आपके हिसाब से आप कर सकते हो, आपको जैसा भी रखना है। मैंने इसलिए ये बता रही हूँ ताकि आपको आपके लिए हेल्प हो जाए। अगर आपके लिए लहंगा इस तरह का बनाना चाहते हो तो अगर आपको कोई आइडिया ना हो लेस का या फिर किस तरह से लगाते हैं तो आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको लेस को रखना है, पहले आपको रख कर देख लेना है कि इस तरह से अच्छी लग रही, फिर उस तरह से आपको लगाना है। आप चाहो तो इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से आप इसे चिपका भी सकते हो या फिर आप इसको सिल भी सकते हो, मशीन से सिलाई लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको सिलाई लगा कर किया है, पहले मैंने इसको रख लिया है। और ये जो मैंने बीच में जो बूटे बना कर रखे हैं, इस यहाँ पर मैंने 2 इंच की गैप दी है, फिर बूटों को रखा है। आप भी नाप कर एकदम अच्छे से बनाएं ताकि आपको, आप जब इन सभी कलियों को जोड़ोगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अपने मन से कर लेते हो ना कि इतना नीता कर लेते हैं, तो फिर आपको कली जब जोड़ोगे ना तो लेसेस ऊपर नीचे दिखेंगी, अलग अलग दिखेंगी। इसीलिए पहले इसे अच्छी तरह से देख लें कि सारी लेस लगा कर देख लें कि कितने से कितने इंच के बीच में आ रही है, और ये जो बूटे मैंने लगाए हैं बीच बीच में, ये जो मैं लगा रही हूँ, ये कितने से कितने इंच में, मैंने 2-2 इंच की लेस के आसपास 2-2 इंच की गैप रखी थी, उसके अंदर मैं ये बूटे लगा रही हूँ। अच्छे से नाप के इंच टेप से आप करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा लास्ट में जब आप इसकी कलियों को जोड़ोगे, वरना कलियाँ आप जोड़ोगे तो फिर लेस ऊपर नीचे होगी तो फिर वह अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी है, कैसी लगती है आपको। और अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हो लहंगे से रिलेटेड कुछ भी या फिर किसी भी तरह का, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इस तरह से मैंने यहाँ तक पूरे में लेस लगा ली है, तो मैंने नाप लिया था कि कितने इंच में मेरी लेस आ रही है। फिर उसके बाद बूटे तो आप पूरी कलियाँ जोड़ लो, उसके बाद बूटे तो आप नीचे रख कर लहंगे को फिर जोड़ सकते हो। जिस तरह से आपने देखा शुरू में, मैंने जो एक वीडियो बताई उसके अंदर मैंने किस तरह से कलियों को जोड़ लिया, पहले बूटे नहीं लगाए इस तरह से, ये तो मैं बस बता रही हूँ रख के कि मैं इस तरह से लगाने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का लहंगा बनाते हो तो इस तरह से आपको पहले कर लेना है। अब ये मैंने अपनी मशीन की मदद से मैंने सारी लेसेस को जोड़ लिया, सारे पैनल्स में जोड़ लिया है मैंने इस लेस को। और अब हम क्या करेंगे, अस्तर लगाएंगे। अस्तर को हमें किस तरह से लगाएंगे, पहले हमको सीधा मेरा जो वेलवेट का जो मैंने लेस लगाया उसको सीधा साइड इस तरह से जैसे रखा था ऐसे रखना है, उसके सीधे साइड पर रख कर यहाँ पर हमें इस तरह से पहले अच्छे से इसको जमा के रख लेना है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में एक सिलाई लगानी है, आधा आधा इंच छोड़ के। और फिर उसके बाद हम इसको ऐसे पलटेंगे। तो पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है, सिलाई पहले मैंने लगा ली है, अब हम इसको यहाँ से पलट देंगे। पर पलटने से पहले मैं आपको
इस तरह से पलटेंगे। पलटने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने जो आपको फर्स्ट में बताया था कि हम इसके अंदर ये हुक वायर लगाने वाले हैं, तो हुक वायर इस तरह से लगाएंगे। पहले हमें अस्तर के अंदर पीछे के साइड से जो अंदर चला जाए, ऊपर की साइड से अंदर चला जाए, इस साइड से मशीन की मदद से आपको हुक वायर को तीन जगहों पर लगाना है। मैंने उसको तीन जगहों पर जहाँ जहाँ निशान लगा हुआ था वहाँ पर लगा दिया। इस तरह से यहाँ पर लगाया है, ऊपर लगाया है, यहाँ पर लगाया है और एक सबसे नीचे लगाया है। तीन जगहों पर मैंने हुक वायर लगाया है ताकि हमारी जब ये पुलियों को हम जोड़ेंगे तो वो हल्का सा घुमा हुआ दिखेगा, गोलाई दिखेगी उसकी मदद से। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, तीन जगहों पर मैंने लगाया है। इस तरह से एक के ऊपर एक कलियों को रखना है, पैनल्स को रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर पूरे ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सारे पैनल्स को आपको अच्छे से जोड़ लेना है। इस तरह से अगर आप इसको जोड़ोगे तो फिर ये इस तरह मैंने इसको जोड़ लिया है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको ऐसे जोड़ लिया। अभी सिर्फ मैंने दो कलियों को जोड़ा है, अगर अभी आप सारी कलियों को जोड़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। हाँ, इस तरह से मैंने जोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर सारी कलियों को जोड़ लेंगे। इस तरह से पूरा गोल घुमा हुआ उस हुक वायर की वजह से ही दिख रहा है, और जो मैंने इसके अंदर कड़क वाला कैनवास लगाया था उसकी वजह से भी अच्छा दिख रहा है। आप चाहो तो आप सिंपल वाला भी लगा सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी कलियों को इस तरह से जोड़ लिया, आप देख सकते हो। जिस तरह से मैंने बताया था आपको, ऐसे मैंने 12 कलियाँ बनाई थी, मैंने 12 कलियों को पूरा जोड़ लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ मेरी। अब मैं यहाँ पर बेल्ट लगाऊंगी, जो आप सिंपल सा बेल्ट बनाकर लगा सकते हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर हो सकेगा तो मैं उसकी वीडियो भी आपको ज़रूर बताऊँगी। फ्रेंड्स, आपको अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो सच में अच्छी है या नहीं है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी जल्दी से, आप प्लीज़ उसका भी वेट करें। अगर आप ये वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि ये लहंगा मैंने पूरा किस तरह से भरा है।